इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थोड़ी देखिए हनुमान जी क्या कह रहे, आपकी कृपा भगवान ने दंडवत करते हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, नेत्रों से प्रेम अश्रु छलक पड़े। कपि के प्रभु के पंकज कपि के सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरी सा सावधान मद कर पुर शंकर लागे कथा यति सुंदर। ये अति सुंदर कथा किसने, भगवान शिव ने सुनाई माँ भगवती को, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। श्री हनुमान जी को भगवान की अनुपायनी भक्ति प्राप्त हो गई, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। सुंदर कांड में ही माँ ने हनुमान जी को पुत्र संबोधन प्रदान किया, वही भगवान ने भी सुत संबोधन किया, सुन सुत तो ही उरिन मैं नहीं। मुझे धरती पर ओ जीव बहुत भाता है, हम उसके मुरीद हैं जो अपने माता पिता को भगवान मानता है। राजेंद्र को ये कथा इसीलिए मिल गई कि बोले कि महाराज जी हमारे माता पिताजी सुनेंगे, इसी में ये बाजी मार ले गए, नहीं तो भैया ये बड़ा मुश्किल है, बड़ी कठिन है डगर पर घटती। मैंने जिला केंद्र से नीचे कथाएं देना बंद कर दिया क्योंकि समय भी जाता है, सुनते भी लोग नहीं है, परंतु इनकी पूज्य बाबू जी अम्मा में जो श्रद्धा दिखी हमको, हमने इनको समय दिया। भगवान इनके हृदय में अपनी भक्ति का संचार करे, मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूँ। आप लोग भी प्रार्थना करो, जहाँ जहाँ जीव ऐसे हो, मेरी सभी से प्रार्थना है माता पिता में भगवत बुद्धि रखो। माता पिता धरती पर बार बार नहीं मिलते, इसका मतलब है कि और बार बार मिलते हैं, अर्थ न लगा लेना आप। माता पिता के हम ऋणी हैं, गोस्वामी जी कहते हैं माता पिता की जो करुणा है जीव पर वो किसी की नहीं हो सकती है। तो हमको आपको मातृ देव भव पितृ देव भव, इस भाव श्रद्धा से मनसा वाचा कर्मणा इनमें समर्पण रखते हुए और इनका आशीर्वाद रोम रोम से मिले तो धरती पर रहकर भी हम वैकुंठ का सुख। माता पिता के प्रति निष्ठा बना के रखो, हाँ बहुत निष्ठा होनी चाहिए, बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज आए हैं, समाज समुद्र के तट पर पधारा, प्रभु की आज्ञा से विभीषण जी की शरणागति हुई है, सुख सारण का प्रसंग है, समुद्र से भगवान मार्ग मांगते हैं दिए नहीं, क्या बोले नाथ नील नल कपिदो भाई ललिकाई ऋषि आशीष पाई तिनके परस के गिरिभारे तरिह ही जलद जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र जी बोल कर गए निज भवन कवन उसे सादर सुनहिं। सुंदर कांड की फलश्रुति है मिस्टर आर के मिश्रा, बहुते पढ़ते हो सुंदर कांड, मानस पढ़ा करो। सकल सुमंगलदायक सुंदर कांड सारे सुमंगलों को देने वाला है, क्या अतो रघुनायक गुणगान। अब फलश्रुति देखिए, सादर सुनहिं सुंदर कांड जे सुनहिं ते तरहीं, ऐसा लिखा है। कैसे सुने, हमने घंटे भर में भी गाया है, दो घंटे भी गाया है, छह घंटे गाया है, सीडी खरीदो सुनो,
काने में सुनो, पाठ करो, सुनो। हम लोग मानस को गा रहे हैं। आगे के प्रसंग में समुद्र ने कहा सेतु बंधन हुआ, परमात्मा श्री राम ने अपने इष्ट देव रामेश्वर भगवान की स्थापना की एक बार भाव श्रद्धा से। बोलिए रामेश्वर भगवान की। चलिए, रामेश्वर भगवान की स्थापना भई। सुबेल पर्वत पर समाज उतरा, चंद्र दर्शन का प्रसंग है। कालवरणोपरांत अंगद जी शांति दूत बन करके गए, रावण माना नहीं। रावण की एक निष्ठा बड़ी प्रचंड है, प्रबल है, सुनता वो किसी की नहीं है, फिर अपनी सुनता है बस। मंडलीक मनि रावण राज करई निज मंत्र, किसी को सुनता है नहीं, किसी की नहीं सुनता। अंगद जी वापस आए, राम दल की चार टुकड़ी बनाई गई, लंका के चारों द्वार धावा बोल दिए गए। 7 दिन का युद्ध है टोटल। निसजर की इस लड़ाई पर निसविध प्रकार, कुंभकरण धननाद कर बल पौरुष निसचर निकर मरण विधिनाना, रघुपति रावण समर रावण बध मंदोदरी शो राज विभीषण। शक्ति प्रसंगोपरांत कुंभकर्ण का समापन किया प्रभु ने, मेघनाथ का वध श्री लक्ष्मण जी महाराज ने किया है। 6वें दिन के युद्ध में राम दल के जितने प्रमुख प्रमुख जूथपति थे सब रावण से लड़े। उसके रहते तो आ नहीं सकते, किसी को भेज नहीं सकते। देवता लोग आकाश पे आते तो थे, रावण जैसे तिरछा देखता था सब छुप जाते थे, इतना भय था उसका। सरल नहीं, बहुत कठिन। धर्म रथ का वर्णन करके विभीषण जी के साथ परमात्मा रथारूढ़ हुए और 7वें दिन भगवान ने रावण को गति प्रदान की, रावण का तेज परमात्मा में प्रवेश कर गया। बोलिए राज रामचंद्र भगवान की जय। मंदोदर जी का विलाप, भगवान ने संशय का समापन किया। विभीषण जी को प्रभु ने आज्ञा दी अंतिम संस्कार संपन्न करिए। दामंत आदि को भेजकर विभीषण जी का तिलक हुआ राज सिंहासन पर। श्री हनुमान जी माँ के पास संदेश लेकर गए, माँ से आशीर्वाद पाए। भगवान ने अग्नि साक्षी करके माँ के सत्य स्वरूप को प्राप्त किया, जो प्रतिबिंब था वो अग्नि में जल रहे। देवराज इंद्र आए, अमृत वृष्टि हुई, कपि लोग वापस आ गए, राक्षस लोग राम दर्शन कर करके सब लीन हो गए अपने निज स्वरूप में, परमात्मा भाव में। विभीषण जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु थोड़ा विश्राम होता तो अच्छा होता। परमात्मा ने कहा, भैया मुझे भैया की याद आ रही है, मैया की याद आ रही है, अब विदा करो। भगवान ने कपियों को विदा किया। देखिए, भगवान की कथा प्रारंभ करना तो बहुत अच्छा लगता है हो, लेकिन कथा का जो पूर्णावती का दिन है ना, वो बड़ा टेढ़ा लगता है। विदा करते बनता नहीं, आना जितना मधुर लगता है, जाना उतना ही कड़वा लगता है। कपि लोग भगवान की सेवा में रहे, भगवान ने जब विदा किया तो कहा, जाइए धरती पर, मेरा स्मरण करिएगा और किसी से डरिएगा नहीं, कोई बात हो अयोध्या आइएगा। भजे मोह डर पे जनी काहू, किसी से नहीं डरना। कपि लोग प्रणाम कर करके मां प्रभु को चल रहे हैं। प्रधान प्रधान यूथपति सिर झुकाए हाथ जोड़े खड़े हैं।
भगवान ने सबकी ओर देखा और बाबा की लेखनी मुस्कुराई। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, सबको लेकर माँ लक्ष्मण भैया हनुमान जी के संग में परमात्मा आगे बढ़े। रणांगण माँ को दिखाया है, परिचय कराया, यहाँ दशानन का, यहाँ कुंभकर्ण का, मेघनाथ का समापन हुआ, देवी कपियों के मारे ये सब असुर लोग देखिए बिछे पड़े हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।